सिंह भला है, शिव का तांडव बल अपना, शिव का तांडव बल अपना।
विश्व जान शिव का तांडव बल अपना है, भगवान ध्वज यश गौरव वाला लहराता फर फर है, मेरी मातृभूमि मंदिर सम्मुख मेरे चित्त को उद्वेलित करने वाला दृश्य है। जब से व्यासपीठ पर आकर बैठी हूं, मेरी आंखें, मेरे मन की आंखें, मेरी चित्त चेतना, मेरी प्राण सत्ता, मेरी माता भारती से मिले मुझे संस्कार, सब मेरे चित्त को उद्वेलित कर रहे हैं। सामने उस किले को देख रही हूं और विचार कर रही हूं, कैसी होंगी वो देवियां जिनके लिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं था, स्वाभिमान महत्वपूर्ण था, कैसी रही होंगी वो देवियां अग्नि की ज्वालाओं में स्वयं को समर्पित कर देना अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। हे भारत भूमि, तेरे प्रति अगाध श्रद्धा है हमारी, किंतु भारत भूमि की ये मेवाड़ की धरती, इसके बलिदान ने ही तो तेरे प्रति चित्त में श्रद्धा पैदा की। ये मेवाड़ का राजधानी का आंगन है, राणा प्रताप के तप त्याग की गाथाएं, देवियों के उत्सर्ग जौहर, स्वाभिमान को ललकारने वाले अवाक देखते रह गए, टिक नहीं पाए। पापी कभी टिक नहीं पाता, दुष्ट कभी ठहर नहीं पाता, जब सामने तपस्या हो, तप हो, अग्नि की दाहकता आग में नहीं है। अगर आग देखनी है तो भारत के नारियों के स्वाभिमान को देखो, उसमें है आग, वो है आग की दाहकता। चंद पैसों के लिए, वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए अपनी चित्त चेतना बेचने वाले क्या समझेंगे कि उत्सर्ग क्या होता है। बातें कहना और सुनना आसान होता है, लेकिन स्वयं के जीवन को तप की आग से गुजार कर कुंदन बनाना आसान नहीं होता। सारा संसार मुझे पूछता है, दीदी मां भारत की नारी का परिचय बता दो। मैंने कहा, भारत की नारी का कोई परिचय नहीं है, भारत का ही परिचय है। भारत ने जो परिचय स्थापित किया सारे संसार में, नारी ने उसका पोषण किया, नदी ने उसको धन्य बनाया, संस्कृति ने उसका श्रृंगार किया, ऋषियों मुनियों के तप से उसे आभा मिली। मनुष्य बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है तब जब नदी नारी संस्कृति संस्कार करती है, श्रृंगार करती है, अपनी भूमिका निभाती है। मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं,
उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, खाड़ी की हूँ अमिट निशानी मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना के मैं भारत की तस्वीर हूँ। हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, अरिशौणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ, पद्मावत हूँ रतन सिंह की चूड़ावत की सही नानी मैं, जौहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूँ पाषाणी, माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ, मेरा परिचय इतना के मैं भारत की तस्वीर। कालिदास का अमर काव्य हूँ मैं तुलसी की रामायण, अमृत वाणी हूँ गीता की घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा बावनी आल्हा का हूँ कारा हूँ, सूरदास का मधुर गीत मैं मीरा का इक तारा हूँ, वरदाई की अमर कथा हूँ रण गर्जन गंभीर हूँ, मेरा परिचय इतना के मैं भारत की तस्वीर। अंतर की तृप्ति के लिए तलाशता हुआ वो मनुष्य वस्तुओं और पदार्थों के अंधकार में ठोकर खाता हुआ, भौतिकवाद के थपेड़ों को झेलता हुआ दृष्टिपात करता है भारत की धरती पर, वो प्यासा है भारत आता है कदाचित प्यास बुझ जाए फिर निराश हो जाता है, क्योंकि भारत तो धीरे धीरे अपने ही स्वस्वरूप से दूर होता जा रहा है। वो आश्चर्य करते हैं, वो घर बार छोड़कर जब भारत आते हैं सत्य की खोज में और भारतीयों को वस्तुओं और पदार्थों में ही खोया देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है क्या हुआ भारत को, 1000 साल की गुलामी ने छितराया नहीं था बिखराया नहीं था। हाँ हमने चोटें झेली थी, पापियों ने शील पर लाज पर संस्कृति पर शिक्षा पर हमारे सांस्कृतिक ताने बाने पर आघात किया, किंतु वो सफल नहीं हुआ। उसे दिल्ली की राज सत्ता तो मिली, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वो फतेहपुर सीकरी में सजा, किंतु वो हमारे दिल में जगह बना नहीं पाया। वल्लभाचार्य जी ने समानांतर सत्ता स्थापित की द्वारकाधीश भगवान की, हमें झुकने का मन होता था तो हम अयोध्या के नाथ उनके चरणों में झुकते रहे। संतों ने कहा कि बहुत बार पुकारा गया लेकिन हम नहीं जाएंगे, तानसेन गए पर हरिदास नहीं। संतों ने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हियां टूटे विसर जात हरि नाम। तुलसीदास जी ने कहा हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मन सबदार, हमें चाकरी करनी है तो हम मल मूत्र की पोटली शरीर धारण किए की चाकरी क्यों करेंगे, हम तो अपने द्वारकाधीश की अपने अयोध्या नाथ की चाकरी करें। हम राजनैतिक गुलाम थे पर हमारी आत्माएं कभी गुलाम नहीं हुई, हमारे प्राण मंग से भरे रहे। हम इतने घोर वातावरण में अत्याचार और भयंकर दुर्दशाओं के दिनों में भी अपने स्वरूप से अलग नहीं हुए, लेकिन आजादी के इतने साल बाद जब हमें राजनैतिक आजादी मिली उसके बाद पछुआ हवा चली, देश की नारी देश की नदी देश की संस्कृति सब अपने आपे से बिलग हुए, नारी को कामनी बनाने का षड्यंत्र चला, वो मातृत्व के ऊंचे पद पर बैठकर संतुष्ट नहीं होती, वो जो सहधर्मनी थी वो प्रतिस्पर्धी बना दी गई, पर मेरा देश प्रतिस्पर्धा का देश नहीं था, मेरा देश तो सहधर्म निभाने वाला देश है। यहां कंपटीशन की कोई भावना नहीं होती थी,
कोऑपरेशन की भावना होती थी। और मेरा देश सभ्यता का देश नहीं था, संस्कृति का देश था। हमने कहा कि हम तो बंदे हैं, हम तो गुलाम हैं, हम तो बेचारे हैं, पश्चिम के तौर तरीके हमारा उद्धार कर देंगे। हमारी हालत क्या हुई? एक ने कहा कि भैया मेरी बकरी बीमार हो गई, तेरी भी बीमार हुई थी, जब तूने तेरी बकरी बीमार हुई थी तूने क्या किया था? उसने कहा मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। उसने अपनी बकरी को भी मिट्टी का तेल पिला दिया और बकरी मर गई। तो कहता है यार मेरी तो बकरी मिट्टी का तेल पिलाने से मर गई। तो उसने कहा मेरी भी मर गई थी, तुमने आगे पूछा ही नहीं, उपयोग करना शुरू कर दिया, मेरे फार्मूले का उपयोग करना शुरू कर दिया, तुमने परिणाम पूछा ही नहीं। जिस पश्चिम में हम पश्चिम की सभ्यता में आकर्षित हुए वो खुद अंदर से छूछे हैं, खाली हैं। 6-7 साल का बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन हम आत्महीनता के शिकार लोग। ये भारत की मॉडर्न मम्मियां छोटे से बच्चे के मुंह में जब तक अंग्रेजी नहीं ठूस देती उनको मॉडर्न होने का बोध नहीं मालूम पड़ता। इससे बड़ी आत्महीनता क्या होगी, इससे बड़ी आत्महीनता क्या होगी? आप हैरान हो गए चित्तौड़ वालों, मैं दुनिया में सब जगह गई, फ्रांस वाले अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, स्पेन के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, किसी भी देश में चली जाऊं वो अपनी भाषा बोलते हैं, वो अंग्रेजी। हमारी दशा देखिए जरा, देखिए जरा, किसी दूसरे के कल्चर की जूठी पत्तल चाटकर गौरव का अनुभव कौन कर सकता है? और वो समाज जिसके पास सांस्कृतिक इतनी बड़ी विरासत रही हो, हमने क्या पाया, क्या पाया हमने? वो नन्ना सा बच्चा, उसे छोड़कर उसकी मम्मी कहती है कि तुझे मैं नहीं पालूंगी, नौकरानी पालेगी, क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल है। और वही बच्चा जब युवा हुआ तो वो माँ बाप से कहते हैं मैं नहीं पालूंगा आपको, वृद्धाश्रम पालेगा, क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल है। क्या ऐसे भारत की कल्पना की थी हमने? आप बताइए ना, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूँ, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया? अभी आपने सुना आशा साहनी का किस्सा, मुंबई के अंदर फ्लैट में जिसकी लाश सड़ती रही और जिसका एकमात्र पुत्र अकेला अमेरिका के अंदर नोट कमा रहा था। अब माँ कब मरी, कैसे तड़पी होगी, क्या पानी मांगा होगा, कितनी दुर्दशा झेली होगी, अंत्येष्टि की आग नहीं मिली, न जाने कितने समय तक वो लाश उसके घर में सड़ती रही। ऐसी कल्पना की थी भारत की? जब दूसरों की समस्याओं के समाधान आप अपनी समस्याओं के लिए अपनाने लगोगे तो दुर्दशा ऐसी ही होगी। मैं काले जीत गया, जीत गया। भारत की संतानें तथाकथित शिक्षित हो रही हैं और अपने माँ बाप को बेवकूफ समझ रही हैं। और JNU की यूनिवर्सिटी में जब जाती हैं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाने वाले देशद्रोहियों के साथ खड़े होकर कश्मीर की आजादी के नारे लगाती हैं। ये शत्रु नहीं है, ये तुम्हारी ही संतानें, जिनको ये नहीं पता कि भारत भक्ति क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, जिस देश को बनाने के लिए इतने लंबे समय तक देश के लोगों ने तप किया, त्याग किया, बलिदान दिया। वहां ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि छपना मीडिया में, रातों रात हीरो बनना है, अखबारों में छपना है। और भारत माँ की जय बोलकर हीरो नहीं बन पाएंगे इस देश में, भारत के विरुद्ध आग उगलकर एक ही रात में हीरो बना दिए जाएंगे। इस षड्यंत्र का शिकार हुआ भारत। मैं आपके बीच में सब प्रयोजन आई, निष्काम साध्वी नहीं हूं मैं, मोक्ष की कामना करने वाली साध्वी नहीं हूं मैं देश धर्म के दर्द को दिल में पालती हूं, रातों को सो नहीं पाती हूं, भारतीयों की विमूढ़ता बेहोशी देखकर आश्चर्य करती हूं, जौहर कर करके देश की नारियों ने अपना स्वाभिमान बचाया,
वो गुलामी का काल था, वो मुगलों का काल था। आज तो आजाद हो, पर मानसिक गुलामी के ज्यादा शिकार हो। भ्रष्टाचारियों में, बलात्कारियों में नाम आए या फिर दुखियों में नाम आए, हिंदुस्तानियों का दुखियों में। बहुत सारे देशों का सर्वे हुआ तो भारत भी दुखी देश है। तुम क्यों दुखी हो गए भाई? जब कुछ बड़ी अट्टालिकाएं नहीं थी, कुटिया में रहते थे, जी भर के हंसते थे, रात भर गाते थे, नाचते थे। अब तो आपकी अट्टालिकाएं आसमान छू रही हैं, प्रसन्नता कहाँ गई? कहाँ गई? ऋषियों ने कहा था ना कि वस्तुओं में खुशियां नहीं होती, संबंधों में जब संवाद मीठे होते हैं, रिश्तों में जब मिठास होती है, एक दूसरे के लिए जीने की जब भावना होती है, तब तब खुशी आती है। शराब के ठेके पर खड़ी लंबी लंबी लाइनें देख के मुझे हैरानी होती है। पीते तो हम भी थे, पीते तो हमारे पुरखे भी थे, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। वो नशा जिसने जौहर करवाए वो भी तो नशा था, जिसने फांसी के फंदों को चूमा। आजादी की दुल्हन की घोड़ी पे चढ़ रहा हूँ इस भावना के साथ, वो भी तो नशा था। नशा नहीं था क्या? लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य निश्चित करो, वो भी तो नशाई होते हैं। लेकिन दुखी चित्त को देश की स्त्रियां शॉपिंग करके खुश करना चाहती हैं। बाजारों में भीड़ लगी है, सामान के अंबार लगे हैं, और सामान इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि सामान जिनके पास ज्यादा है उनको सम्मान मिल रहा है। पर पहले जिनके पास सामान नहीं होता था, सम्मान उनको नहीं मिलता था, अपितु जो त्यागी होते थे, वैरागी होते थे, सम्मान उनको मिलता था। पैर में फटी बिवाइयां क्यों ना हो, उन चरणों में झुकने का मन होता था जो चरण तीर्थ की तरफ अग्रसर होते थे। कैसा था भारत? हंसता खेलता मुस्कुराता भारत। एक का घोड़ा खो गया तो वो लड्डू बांट रहा है। किसी ने पूछा क्यों लड्डू बांट रहा है, बोले मेरा घोड़ा खो गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूँ। अरे भैया, घोड़े खो जाने के भी लड्डू बांटे जाते हैं? वो बोला हाँ, अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता ना, मैं बच गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व लुटाकर प्रसन्नता जिनकी चेरी होती थी वो भारत, सारे संसार को ज्ञान बांटता भारत। कहाँ खो गया भारत? चिंतन करना चाहिए। और हमारे लोगों के पास नचिकेता जैसी संतानें रही जिन्होंने यमराज तक से प्रश्न किए। हम अपने आप से प्रश्न नहीं कर सकते? मुझे भी तो मुझसे प्रश्न करना चाहिए। मेरा स्वाभिमान, मेरा गौरव विषय ये नहीं है, विषय ये है कि मेरा सुख कहाँ है, मेरा आनंद कहाँ है। मैंने कहा कि मुझे सुखी होना है, जितना सुख का इंतजाम किया उतना ही दुख मुंह बाकी सामने खड़ा हो गया। अगर हमें लगता है कि सम्मान जिनका बड़ा होता है वो सुखी होते, नहीं, सम्मान जिनका बड़ा होता है उनका अपमान बहुत जल्दी हो जाता है। इज्जत जिनकी बड़ी है, नमस्ते भर मत करो, बस बेइज्जती हो जाएगी। पर भारतीय संस्कृति ने सुख के चक्कर में पड़ने की हमें देशना नहीं दी। उन्होंने कहा आनंद में विराजो, और आनंद तुम्हारा स्वरूप है, और तुम्हें भागना नहीं है, टिकना है, ठहरना है। ये देशना हमारी संस्कृति की, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। ये तो बहुत आसान है। मुंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज, ये तो बड़ा सस्ता धंधा है।
झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। ये देशना, ये जीवन की पद्धति, ये है चर्या। सर्वस्व लुटा कर भी आनंद में निमग्न रहने वाले पुरखों की संतानें हैं हम। कितना बड़ा यज्ञ किया, कितना बड़ा राजसूय यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ किसी को भी मत हो सकता है। छोटी मोटी किसी संस्था के अध्यक्ष बन जाते हैं तो हम तो सीना चौड़ा करके चलते हैं, लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया जीत ली। वहां तो राजसूय यज्ञ हुआ। कदाचित मेरे ठाकुर मेरे प्रभु खाते होंगे सुलभा का साग, खा लेते होंगे शबरी के जूठे बेर, लुभाता होगा उन्हें विदुरानी के केले के छिलकों का स्वाद। लेकिन वो खाते क्या है, ये समझने की बात है कि वो खाते क्या है। विचित्र प्राणी है ये, आधा शरीर सोने का और आधा सामान्य। एक नेवला आया और यज्ञ भूमि में लोट पोट लगाने लगा। श्री कृष्ण बोले कौन हो, वो मनुष्यों की सी भाषा में बोला आप देख नहीं रहे, नेवला हूं। आधा शरीर स्वर्ण का है और आप जानते हो आधा शरीर मेरा स्वर्ण का कैसे हुआ। 15 दिन से पति पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी भूखे थे, 15 दिन बाद उनको भोजन मिला और उनकी कुटिया में एक चंडाल ने आके कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने अपना आधा भोजन उस चंडाल को दे दिया। फिर चंडाल बोला कि मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, तो उन्होंने बाकी बचा भोजन कुत्तों को समर्पित कर दिया और स्वयं जल की अंजलि में जल लिया और आचमन करके हाथ धो लिए। अचानक में उसे गीली भूमि से निकला और तो वो मिट्टी के गीले गीले कण मेरे शरीर में लग गए और जहां वो कण लगे वहां वहां मेरा शरीर स्वर्णिम आभा से युक्त हो गया। अब मैं जगह जगह होने वाले यज्ञों में जाता हूँ और वहां लोट पोट लगाता हूँ ताकि मेरा बाकी शरीर भी स्वर्णमय आभा से युक्त हो जाए। इसी आशा से मैं धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आया था, किंतु यहां से भी निराश वापिस जा रहा हूं। भगवान ने मुस्कुराकर देखा, किसको देखा युधिष्ठिर को देखा, वे मुस्कुराए और फिर बोले मुस्कुराते हुए, देख रहे हो बड़े भैया युधिष्ठिर भैया, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ ठीक है उचित है, लेकिन असली यज्ञ जानते हो 15 दिन की भूखी आते हो और उस भूख में भी किसी दूसरे की भूख का चिंतन हो, इससे बढ़कर कोई और बड़ा यज्ञ होता नहीं है। युधिष्ठिर क्या खाया, भगवान ने क्या खाया, धर्मराज युधिष्ठिर के अंतर में पैदा हुआ गर्व खाया, अहंकार खाया। नहीं चाहते कि उनके आश्रितों के हृदय में अभिमान का अंकुर पैदा हो। आज हिंदू जाति की कमजोरी क्या है, इतनी सारी संस्थाएं मैं देख देख के हैरान होती हूं, सबके अलग अलग झंडे अलग अलग डंडे अलग अलग एजेंडे हैं, सबको अध्यक्ष बनना है मंत्री बनना है। भैया क्यों इस बेवकूफी में पड़े हो, ये तमाशा है ये ड्रामा है, समझो अपनी चित्त चेतना को एकाग्र करो, अनुगत होना चलना सीखो। पर कदाचित कभी कोई श्रेष्ठ नेतृत्व मिले तो उनके पीछे चलो, जरूरी नहीं है
कि सभी अपनी 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 डफली अपना अपना राग और प्रलोभन से तो मुक्त हो जाओ। प्रलोभन तो बहुत है दिल के अंदर, भगवान की भी पूजा ऐसे थोड़ी हो रही है मंदिरों में भीड़ लगी है, ये भगवान के भक्तों की भीड़ नहीं है, ये भगवान से मिलने वाले वरदानों के लालचियों की भीड़ है। अगर पुराने देवता काम नहीं आते तो नए देवता आ जाते तुम्हारे मंदिरों में। देखो तो जरा ड्रामा, ये क्या हो रहा है और हम कर क्यों रहे हैं। कदाचित भगवान कहते हैं कि तुम्हें जगत में कुछ उपलब्धि चाहिए तो मेहनत करो, परिश्रम करो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ हमने दिया इधर रख दिया, भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे, इधर रख दिया वो देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा। अरे मैंने कहा देवता है कि हिटलर। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे हृदय के अंदर पूजा का भाव आया कि नहीं। नहीं देखते प्रभु तुम्हारे हाथों में पूजा की थाली, वो देखते हैं कि तेरा मन पुजारी बना कि नहीं बना। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। मेरे अंतर की आहों ने तुझको सौ सौ बार पुकारा, मेरे आंखों के निर्जर ने तुझ पर अपना जीवन वारा। क्या चाहिए क्या चाहिए, विचार तो करो कभी, रुको तो, ठहरो तो, देखो तो। उपनिषदों के गीत गाने वाला भारत कैसा धर्म भीलू बना। तुम तो जूते भी दान करते हो कि स्वर्ग में नंगे पैर ना चलना पड़ जाए। अरे भैया कोई ऐसा कर्म करने की जरूरत नहीं जिससे स्वर्ग पक्का हो, ऐसे सदकर्म करो कि स्वर्ग को ही धरती पर उतार लिया जाए। अपना लोक, इस लोक को संभालो, तुम्हारा लोक लुट रहा है, इसलिए लोक कल्याण की भावना है तो देखो कि वो दिन दोबारा ना लौटे। इस किले के भीतर जो हुआ था वो साहसी देवियां थी, उनके पास तप था, निष्ठा थी, उनके पास धर्म की आज्ञा थी, धर्म की आभा से वे चित्त से भीगी हुई थी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सकी वो, क्या आज की नारियों में वो सत है। आसन्न संकट है सामने, उस पर दृष्टि गई। आपने कहा दीदी माँ लोकतंत्र की बलिहारी, हमारी संतानें एमबीए कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं और इंग्लैंड और अमेरिका में जाके बस रही हैं, हमें तो और कुछ चाहिए नहीं, बस हमें तो इतना ही चाहिए था। आपकी संपत्ति की विरासत उन्होंने संभाली, लेकिन आप भूल गए कि आपकी परंपरा की विरासत भी तो आपकी संतानों को संभालनी थी। वो कहाँ संभालेंगी, उनको परंपरा के प्रति आदर ही नहीं, उनके हृदय में ये कोई भावना नहीं है। आपने कहा स्कूल वाले संभालेंगे, स्कूल वाले कहते हैं घर वाले संभालेंगे, वो बेचारा बीच में ही शटल ट्रेन बन गया, उसको कौन बनाएगा, कौन बनाएगा उसको। भारत जिन देवियों की वजह से बना उसका स्मरण करो देवियों। छत्रपति शिवा नन्हे थे, माँ से कहते हैं माँ आपका जन्मदिन है, मुझे आपको कुछ देना है, मुझे आपको कुछ देना है। शिवा तू मुझे क्या देगा, क्या देगा मुझे। माँ बोलो ना मुझे आपको कुछ देना है। जीजाबाई ने कहा शिवा तू मुझे कुछ देना चाहता है तो देख, सिंहगढ़ के द्वार पर, सिंहगढ़ की प्राचीर पर फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है। पुत्र अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मैं फिरंगियों के झंडे की जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ, क्या दे पाएगा मुझे ये उपहार। नन्हे शिवा के चित्त में उसका लक्ष्य रोपित कर दिया। लक्ष्य क्या है, मात्र एक नौकरी, चंद रुपए, हम दो, हमारे दो, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, बस ये है लक्ष्य, ये होता है लक्ष्य। ये लक्ष्य तो पशु पक्षी भी पा लेते हैं। बयान पक्षी इतना सुंदर अपना घोंसला बनाता है देवियों, आर्किटेक्ट वो, इंजीनियर वो,
मटेरियल कहाँ से लाएगा, एक सा एक सा कैसी निटिंग, कैसी 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 भुन भुन कर वो क्या अद्भुत डाल पर बांधता है अपना घोंसला, कि आंधियां वृक्ष उखाड़ सकती हैं पर बया पक्षी के घोंसले को डाल से विलग नहीं कर पाती। हमसे ज्यादा सहूर है ना उनको, बोलो ना देवियो। और तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे पति जब तुम पे रीझते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो तुम्हारे रूप लावण्य की तुलना किससे करते हैं? तुम्हारी चाल देख के जब कोई दीवाना होता है तो यही तो कहता है, कैसी गजगामिनी हो, कैसी मृग नयनी हो, शंख जैसी ग्रीवा है, केहरी जैसी कमर है। इसका मतलब सुंदरता तो पशु पक्षियों में ज्यादा है ना हमसे। और अगर तुम कहो कि वो तो पशु हैं लेकिन वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, देवियों उन पशु पक्षियों को सूरज नहीं जगाता अपितु वो पशु पक्षी सूर्य देव को जगाते हैं। पहली किरण धरती पे उतर नहीं पाती और वो जग जाते हैं। कभी नहीं देखा गया कि पेट भरने के बाद उन्होंने कुछ संग्रह करके रख लिया। ऋतु के अतिरिक्त अगर कोई पशु पक्षी मादा गर्भिणी है तो कभी नहीं देखा गया कि वो प्रवृत्त हो विपरीत के प्रति। प्राकृतिक व्यवस्था में बंधे हुए माता प्रकृति की गोद में है वो, इसलिए भूकंप के लिए मनुष्य को नहीं पता चलता कि भूकंप आने वाला है, पर प्रकृति माता बता देती है पशु पक्षियों को कि भूकंप आने वाला है। इसलिए खूंटे से गैया रस्सा छुड़ाने लग जाती है, पंछी चीत्कार करने लग जाते हैं, फेतकरी स्यार रोने लग जाते हैं। प्रकृति बता देती है कि विपत्ति आने वाली है। एक मनुष्य बुद्धि का दंभ पाले बैठा है, सारे संसार से ज्यादा दुखी बुद्धि वाले हैं दुखी, और जो ईश्वर के चरणों में समर्पित है वहां दुख नहीं है, वहां नृत्य है। लोग पूछते हैं कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तो भक्त कहते हैं ये मत पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वहां समर्पण है। और यहाँ अपनी बुद्धि का ठेका लिए बैठे हैं, सारी दुनिया चौपट कर दी, धरती व्याकुल हुई, प्रकृति व्याकुल हुई, इतनी भयंकर दशा में पहुंचने वाली है धरती। भारतीयों को तो सारी दुनिया का गुरु बनना था ना। तुम्हारी संतानों ने तुम्हारे पुरखों ने किसमें भोजन किया, बोलो ना किसमें किया, पत्तलों में किया था ना, और पत्तल के पत्ते मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते थे ना। और आज भी जब स्वादिष्ट खिचड़ी बनाना चाहती हो तो मिट्टी की हांडी में ही चढ़ाती हो ना, बोलो ना, कुछ तुम भी बोलो, हक्की बक्की मुझे देख रही हो। चाकू छुरियां तेज कराने वाले आते थे ना, एक ही चाकू सालों साल चलता था ना, कपड़े के थैलों में सब्जियां लेकर आती थी ना, प्लास्टिक जैसा भस्मासुर की जरूरत नहीं थी ना, बाल्टी में भर के ही स्नान होता था ना, एक शावर चला के 10 जनों का पानी एक जना नहीं बहाता था ना, बोलो ना, सारी दुनिया को ये बताना था। और तुम दुनिया के पीछे लग गए, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूं, इसलिए निवेदन कर रही हूं कि जहां सस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम्र से भरा न हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, जहां सार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से इसने अश्रु की धार बही, अब कौन मसक समरूप धरे सारथ की लंका दाह करे, जहां प्रकट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा
हिंदुस्तान नहीं, जहां राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहां न्याय कड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर इंसान नहीं ईमान, जहां ईमान नहीं वो मेरा। कैसी कल्पना की थी, पर क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है। बलात्कारियों में सबसे नंबर वन स्वामी विवेकानंद को भी एक इटली की स्त्री ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद तुम कितने खूबसूरत हो, कितने बुद्धिमान हो, और देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, अगर तुम मुझे बाहों में बांध लोगे, मैं वादा करती हूँ कि तेरे जैसा पुत्र पैदा कर दूंगी। छूटते ही स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, इसलिए इसी क्षण से मेरी माता बन जाओ और मुझे अपना पुत्र बना लो। एक पल नहीं लगा, एक क्षण नहीं लगा। असूलों में जहां स्पष्टता होती है, वहां ये नहीं कहा जाता कि सोच के बताएंगे। एक पल नहीं लगा। छत्रपति शिवाजी के लिए डोला आया था, शत्रु की कन्या, षोडशी कन्या, बड़ी बड़े नेत्र, सुंदर मुखाकृति, काले केश, प्यारे अधर पल्लव, पीले पत्ते की तरह कांप रही थी वो, क्योंकि उनके यहाँ स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, ऐसी ही कल्पना में वो डर रही थी। और शिवा ने उसके पैरों में माथा रख दिया, वो सिकुड़ गई, अपने आप में सिमट गई और आश्चर्यचकित छत्रपति शिवा को देखने लगी। आश्चर्यचकित कि यह कैसा व्यवहार है। छत्रपति शिवा ने कहा, देवी मैं तेरा रूप देखकर आश्चर्य कर रहा हूं और सोच रहा हूं कदाचित मैं माता जीजा की कोख से पैदा ना होकर तेरी कोख से पैदा हो गया होता तो मैं भी तेरे जैसा खूबसूरत हो गया। जहां सौंदर्य दिखे, जहां सुंदरता दिखे, वहां मां का बोध हो, मातृ सत्ता का दर्शन हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके युग पद कमल मनाऊं, दासो कृपा निर्मल मति पा। निर्मल मति का वातावरण होता था भारत में। नन्हे से बच्चे को स्कूल भेजने के बाद ये मॉडर्न मम्मियां पूछती हैं, बताओ बेटा तुमने गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई। हंसने की बात नहीं है ये, शर्म की बात है ये। हमने नन्हे के हृदय में वासना का बीज रोप दिया। जब वो जानता ही नहीं है कि लड़की और लड़का क्या होता है। और जहां संस्कारों का प्रयत्न होगा, तुम कहोगी हमारे यहां पूरे मोहल्ले में, जाओ बेटी जाओ, सारे मोहल्ले के बेटों को राखी बांध के आओ। क्यों कहते थे हमारे पुरखे? ताकि सारे मोहल्ले के पुत्रों के दिल में ये भावना आए कि ये मेरी भगनी है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, इसके लाज की रक्षा करनी। वातावरण बनाने से बनता है, ऐसे नहीं बनेगा कि तुम सरकार को कोसो, सरकार तुम्हें कोसे, स्कूल वाले घर वालों पे थोपने, घर वाले स्कूल वालों पर, ऐसी बात नहीं हो सकती देवियों। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ आप में ये स्वाभिमान कहाँ से आया? मैं खुद को टटोलती हूँ, मुझको स्वाभिमान कहाँ से मिला? फिर मुझे मेरी माँ याद आती है, सिलवट्टा लेके वो मसाला पीसती थी, मसाला नहीं होता था, बर्तन इधर रख रही है उधर रख रही है। हम पूछते थे, माँ तू क्या करती है, भोजन तो है नहीं? तो कहती थी, नाटक करती हूँ पड़ोसियों को ये बताने के लिए कि मेरे घर में भोजन बना है, इसलिए नाटक कर रही हूँ, नहीं चाहती कि कोई भोजन लेकर आए और तुम्हें खिलाए, नहीं चाहती। 40 दिन भी भूखे रहोगे मरोगे नहीं,
लेकिन जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उस दिन जीते जी मर जाओगे, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा, तुम्हारा जमीर मर जाएगा। सर्वस्व लुटाकर भी स्वाभिमान की रक्षा कैसे की जाती है वो किताबें नहीं सिखाती देवियों, वो घर का वातावरण सिखाता है। जरा सी विपरीत परिस्थिति आई पति को कोसा, कुटुंब को कोसा, विधाता को कोसा, समाज को कोसा, कैसे आएगा धैर्य संतानों में। इसलिए माँ तेरी भूमिका की तरफ मेरी नजरें उठती हैं। मैं सारे देश में घूम घूम के भारत की नारियों को अनुनय निवेदन करती हूँ, भारत को भारत बना रहने दो। और तुम चाहो तो ये संभव है, तुमने चाहा तो ये संभव हुआ, तुमने चाहा देवियों। इसीलिए हिरण्यकश्यप के घर में जब तुम कयाधु बनकर थी तो तुमने राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा कर दिया। और तुमने नहीं चाहा तो विश्वरवा ऋषि के घर में रावण जैसा दुर्दांत व्यक्ति पैदा हो गया। अगर कोई कहता है कि पुरुष की बड़ी करामात है तो व्यास जी की करामात धरी रह गई थी। व्यास जी जैसे इतने विराट व्यक्तित्व के अंश को एक माँ ने कोख में धारण किया पर भय से आंखें बंद कर ली, अंधे पुत्र की माँ बन गई। दूसरी भय से पीली पड़ी तो पांडु रोग से ग्रसित पुत्र की माँ बनी। लेकिन तीसरी स्त्री दासी तो थी पर व्यास जी के प्रभाव को जानती थी, उसने श्रद्धा से व्यास जी के अंश को कोख में धारण किया तो धर्म स्वरूप साक्षात विदुर जी महाराज को जन्म दिया। पिता एक थे, माँ की मना स्थितियां भिन्न भिन्न थी, उसका संस्कार संतान के ऊपर पड़ा। इसलिए माँ मेरी नजर तुम्हारी तरफ उठती है, भारत को भारत बना रहने दो, उसके लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश करो। सारा संसार जब थकेगा तो भारत की तरफ ही देखेगा, इसलिए भारत अमृत को बचाकर रखे। यही मैं आपसे कहने के लिए आपके नगर में आई हूँ। हमने नन्हे नन्हे छोटे बच्चों को अनाथ आश्रम, महिला आश्रमों में, स्त्रियों को, वृद्धों को वृद्धाश्रम में। आप देखो मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ हमने वृद्धाश्रम खोला, वृद्धाश्रम खोला, बड़ा आश्चर्य होता है वृद्धाश्रम। मैं इंदौर कथा करने गई देवियों, पर वहां मैं एक वृद्धाश्रम में गई तो बूढ़ी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दीदी माँ मेरे पति को कंधा नहीं दिया मेरे पुत्रों ने। मैं पड़ोसियों को पुकारती रही पुकारती रही, किसी ने मुझ पर दया करके मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा। पर देखो मेरी ममता दीदी माँ, मेरी आंखें द्वार पर गड़ी रहती हैं कि अब भी कोई आएगा, अब भी कोई आएगा, अब भी कोई आएगा। सोचा था कभी ऐसी दुर्दशा ग्रस्त हो जाएगा भारत का वृद्धावस्था। मैं तो वात्सल्य का कार्य करती हूँ चित्तौड़ की देवियों भाइयों, रोज प्रसव पीड़ा से गुजरती हूँ, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आश्चर्य होता है। स्वार्थ परता ने हद कर दी, हद कर दी। हमने कल्पना की एक ऐसा परिवार बने जिसमें बेटे बेटियां हो, माँ हो, मासी हो, नानी हो, उसी की कल्पना को वृंदावन में साकार किया। कोई नारी निकेतनों की जरूरत नहीं है, अनाथ आश्रमों की भी जरूरत नहीं है, वृद्धाश्रमों की भी। स्वेच्छा से घर छोड़ो, अपमानित होकर नहीं। इसलिए 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी और उसके बाद वानप्रस्थी। उसके बाद लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए, तो मैं कहती हूँ जब 10 बार पानी मांगो एक बार भी ना मिले तो समझ लो इस घर में अब हमारी जरूरत। समाज के काम में लगी है, शिक्षक हो शिक्षा दीजिए, चिकित्सक हो चिकित्सा कीजिए, पैसे बहुत कमा के बच्चों को दे दिए, अब देश और समाज के कार्य में लगना चाहिए कि नहीं, बोलो ना, सहमत हो।
सहमत हो? मेरे देश में शिक्षा और चिकित्सा कभी व्यापार नहीं थी। 60 साल का व्यक्ति 8 साल के बच्चे को विद्या देता था, ये व्यवस्था थी। और जब जिनको दिया जा रहा है वो जब उठकर सामने पादुका रखते थे, चरण पादुका रखते थे, लाठी पकड़ाते थे, तो व्यक्ति को कभी नहीं लगता था मैं अनवांटेड हूँ। उसे लगता था मैं अंतिम समय तक देश और समाज के काम आऊंगा, ये भारत। इसलिए राष्ट्र चिंतन के नाम पर आज को मैं आपको यही चिंतन देना चाहती हूँ। अभी अभी चर्चा हुई कि श्री राम जन्मभूमि की बात चली, तो राम मंदिर बनाने भर से हमारा समाधान होने वाला ऐसा थोड़ी है। राम के चरमोत्कर्ष को, आदर्श के चरमोत्कर्ष को जन जन तक स्थापित करना। आपकी संतानों को पूछो कि सच्चा प्रेमी कौन है, तो उन्हें मुंबईया फिल्म के सुपरस्टार दिखाई देंगे। बताना होगा अपनी पत्नी के लिए मीलों मील नंगे पैर चलकर अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए उन्होंने लंका जैसे दुर्भेद्य किले की ईंट से ईंट बजा दी थी। उनसे जैसा प्रेमी कोई मिलेगा? मिलेगा। 14 साल तक अयोध्या चारों भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकरे खाती रही, किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। इतना बड़ा त्याग कहीं मिलेगा? मैंने बहुत वर्षों पहले कहा था, आज फिर दोहरा रही हूं, प्रभु राम के नाम ने हम सबको एकजुट किया। उस समय तो मंडल की आग लगी हुई थी देश में। मैं गली गली गांव गांव घूम रही थी कि हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंधलाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। राम जन चेतना के प्रतिमान हैं, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं, राम दीनों दलितों के भगवान हैं, धोबियों निषाद केवटों के प्राण हैं, ऐसे राम का जो सक्ष भक्त नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है, जांच हम उसकी करा के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। और वो संकल्प आज सिद्धि के द्वार पर लेके आ गए। सिद्धि के द्वार पर राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। और राम को अगर पाना है तो फिर खुद को बदलना होगा, ठीक है ना? राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, तो जरा मेरे साथ दोहराइए, राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। भागवत सांसद महोदय, हमारे विधायक जी चंद्रभान सिंह जी, सब लोग यहाँ पर विराजमान रहे, पूज्य संतों की कृपा हमें मिली, आदरणीय चंद्र भारती जी, राम नारायण जी और हमारे सुदर्शनाचारी जी यहाँ विराजे, और हमारे प्रमोद जी के द्वारा और पुष्कर जी के द्वारा, देवी सिंह के द्वारा,
इतना सुंदर ये आयोजन यहाँ संपन्न हुआ। मैं आप सब लोगों को भावभीना निमंत्रण देना चाहती हूँ कि श्री वृंदावन धाम जब आप आओ तो वात्सल्य ग्राम जरूर आओ और उन संतानों को मिलो जो कचरे के ढेर पर फेंकी गई थी, लेकिन कचरे में कचरा ही नहीं होता, कंचन भी होता है। उनको सनातन की संतान मानकर प्रेम देना हमारी जिम्मेदारी होती है। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद देती हुई आपसे कुछ दक्षिणा लेना चाहती हूँ जो कि मुझे आपने आश्वासन देना है। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। Yeah.